रानिया, रानिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं था यम्मी, वो ऐसे ही बस। बैठो बैठो यहाँ बैठो। क्या हो गया बेटा, क्यों इस तरह से गुमसुम सोचों में रहती हो तुम? अपनी असल जिंदगी की तरफ लौटो। देखो ये बच्चा है तुम्हारा, घर है तुम्हारा, कल को शादी हो जाएगी तो अपने बच्चे को, शोहर को और इस घर को कैसे तवज्जो दे पाओगी तुम? शादी तो तब होगी ना जब रेश शादी के लिए हाँ करेगा। क्या क्या कहा तुमने? ये खामखा के वसवसे क्यों लाती हो अपने दिल में? देखो बेटा ये जो फैसला है ना वो तुम्हारे ताया अब्बू का है और तबरेज उन्हें हरगिज इनकार नहीं कर सकता। अलीजे को तलाक देने से तो वो इनकार कर ही चुका है, ये हुक्म भी तो ताया भूखा ही था ना। ताया में क्या कभी आपने एक बार भी सोचा है कि ताया अबू के एक बार कहने पर वो शादी के लिए हाँ कैसे कर गया? मेरा मतलब है तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो ना, पहेलियां मत बुझवाओ। तायमी वो तबरेज की स्टूडेंट थी, उससे खुद बताया मुझे, और मेरा ख्याल है कि आप और ताया अबू भी शायद ये बात नहीं जानते। तो तभी वो उससे इतनी हमदर्दियां जता रहा था। खैर उन हमदर्दियों का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो लड़की मौका पाते ही घर छोड़कर जा चुकी है। अच्छा इसे संभालो, लो इसे। रानिया अरे लो ना बेटा। आप नहीं जानती ताइये में तो मोहब्बत है तबरेज की।